Hello students, we are starting with the chapter 1, The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. ये चैप्टर चालू करने से पहले कुछ ऐसी डेट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज 4 जुलाई 1776, जिस दिन अमेरिकन्स को इंडिपेंडेंस मिला था. 17 दिसंबर 1903, जिसमें विल्बर और ऑरविल ने फर्स्ट फ्लाइट की थी और वो एयर में 12 सेकंड्स तक रहे थे और उन्होंने 120 फीट की हाइट अचीव की थी. 6 अगस्त 1945, दिस डे इज ऑब्जर्व एज हिरोशिमा डे इन विच द अमेरिकन्स ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन हिरोशिमा. 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड बाय नाथुराम गोडसे. 12 अप्रैल 1961, यूरी ए गैगरिन become the first human to orbit the earth. 20th July 1969, Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon. ये chapter 3 parts में divided है. इस video में हम first part पढ़ेंगे. जो narrator है वो Bridport में जा रहे होते हैं. वो एक England की city है. वहाँ वो एक junk shop देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक roll top desk दिखता है. वो टेबल 19 सेंचुरी का होता है और ओक से बना होता है. नरेटर हमेशा से चाहते थे कि उनके पास ये वाला टेबल हो, बट वो बहुत ही कॉस्टली आता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंक शॉप से ही इसको बाय करेंगे. वो टेबल बहुत ही बुरी कंडीशन में था. एक लेग टूटा हुआ था, स्क्रैचेस थे और जले हुए भी थे थोड़े बहुत. उन्होंने डिसाइड किया कि ये इसको रीस्टोर कर देंगे और फिर इसको यूज करेंगे. वो टेबल बहुत ही सस्ता था और उन्होंने गैरेज से खरीद लिया और उन्होंने उस पर काम क्रिसमस ईव पर चालू किया. उन्होंने सबसे पहले रोल टॉप को पूरा कम्प्लीटली हटाया और सारे ड्रॉर्स खोलने लगे, बट जो लास्ट ड्रॉवर था वो स्टक था, खुल नहीं रहा था. उन्होंने बहुत फोर्स अप्लाई किया और फाइनली जाकर वो ड्रॉर खुल गया. जैसे ही उन्होंने वो ड्रॉर खोला, वहाँ पे उन्होंने एक टिन बॉक्स देखा जिस पे एक नोट लगा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. उन्हें पता था कि ये जो बॉक्स खोल रहे हैं वो बहुत ही गलत बात है क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी है, बट वो इतने क्यूरियस थे कि उन्होंने फाइनली बॉक्स खोल दिया. जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला तो वहां पर एक एनवलप था जिसमें लिखा था, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट. फिर उन्होंने वो लेटर निकाला और खोला और धीरे धीरे रीड करना स्टार्ट किया. यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट ओवर होता है. अब आपको इसके दो क्वेश्चंस लिखते हैं नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप. आंसर, The author found a roll-top desk for sale in a junk shop. It was made up of oak wood, but it was in a very bad condition. Question number 2, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? Answer, in the secret drawer of desk, the author found a small tin box. It had a letter in it. I think the owner of the roll-top desk might have put it there.